हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर और आप देख रहे हैं सिनेमा सागा भैया टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत। भाई जान, इसका जो कलेक्शन था, जो इसके एडवांस बुकिंग थी, वो इसकी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की हुई थी, जो मैंने आपको बताया था। और मैंने जब आपको बताया था कि भी इस फिल्म के बड़े बुरे हाल चल रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म का जो बजट है वो 200 करोड़ का है, और 200 करोड़ के बाद ये जो फिल्म है भाईजान, ये इतनी अच्छी इसकी एडवांस बुकिंग नहीं हुई, और इसके रिव्यूज मैंने कहा था कि अच्छे आए तो इसका कलेक्शन बड़ा जबरदस्त होगा। लेकिन आपको पता है कि भाई इसके रिव्यूज इंतहाई घटिया तरीके रिव्यूज आए हैं। ऐसे रिव्यूज शायद किसी फिल्म के आते होंगे। भाई लोगों ने यह भी कहा कि हीरोपंती 2 जो आई थी उसको भी इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया, इतने गंदे रिव्यूज इस फिल्म के आए। तो उसके बाद जो इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन आया वो आपको मैं जरा बताने वाला हूं कि पहले दिन का इसका क्या कलेक्शन था। तो भाई 200 करोड़ के बजट वाली फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन, ज्यादातर अमूमन अच्छी फिल्में बनती है 200 करोड़ वाली, लेकिन इसका जो कलेक्शन था वो सिर्फ 2.5 करोड़ आया पहले दिन। 2.5 करोड़ पहले दिन कलेक्शन किया, और ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भाई 3 करोड़ का किया, और वर्ल्ड वाइड 3 करोड़ का कलेक्शन किया, और इससे कुछ भी कलेक्शन नहीं आया इस फिल्म का। और अगर कुछ आया भी होगा तो 2-4 लाख का होगा, वो अभी हमारे सामने नहीं आया इस टाइम। तो आपको भी इधर मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ये फिल्म यहाँ पे फ्लॉप हो चुकी है। इससे आगे मुझे फिल्म चलती भी नजर नहीं आ रही। हद 2 हफ्ते या कुछ करके चला लेंगे तो भी 200 करोड़ का बजट है इसका, बहुत ज्यादा बजट है। फिल्म लगभग फ्लॉप हो चुकी है पहले दिन ही, मैं बोल रहा हूँ। आगे वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पता ये फ्लॉप शायद ना हो, आप जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भी क्या लगता है आपको, क्या होगा आने वाले दिन में इस फिल्म के साथ। तो इस तरह के वीडियोस के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया। हाफिज़ बाय।